हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था व्लॉग बनाने के लिए। एक्चुअली मेरा शेड्यूल थोड़ा चेंज हो चुका है इस वजह से, तो मुझे अपने ट्यूशंस भी बंद करने पड़ रहे हैं। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि ट्यूशन का लास्ट डे है, तो थोड़ा व्लॉग बनाया जाए और देखा जाए कि बच्चों को कैसा लग रहा है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसीलिए मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो मेरे साथ व्लॉग में बने रहिए, देखते हैं आगे बच्चे क्या करते हैं। फ्रेंड्स, आज ना मैंने अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं ट्यूशंस बंद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता। शाम को मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। अभी भी मेरे सर में दर्द हो रहा है, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे किस में डाल दिया, क्या बोलते हैं उसको, दुविधा में डाल दिया। क्या बताऊँ मैं, बच्चे बड़े रो रहे हैं, अरे दीदी ट्यूशन मत छोड़ो, रात को पढ़ा लो तो मैं पढ़ लूँगा। हे भगवान, मैं क्या जो करूँ उन बच्चों का। देखो, हम मिलते हैं अपने एक अच्छे प्रिय शिष्य से। यूवी यूवी, अच्छा चल ठीक है, चुप हो जा, मैं मार दूंगी। यूवी यूवी, कितनी बेशरम हूँ मैं, कितनी बेशरम टीचर हूँ मैं कि मैं हंस रही हूँ, मेरा स्टूडेंट रो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं इसको मनाती हूँ। चुप हो ना भाई, इसको तो पसीना आ गया। स्पैक्स कहाँ हैं? चश्मा कहाँ है इसका? मैं हेलमेट लगाने वाली हूँ। अच्छा चुप हो जाए, चल देखेंगे ना, हम डिसाइड करेंगे ना क्या करना है। मैं भी मार दूंगी, बंद कर इसको। हेलो गाइस, तो हम यहाँ पे दीदी के पास ट्यूशन बैरिक है, तो आज हमारा लास्ट डे है ट्यूशन का, और यहाँ पे थोड़ा इमोशनल सीन चल रहा है, कोई फनी सीन चल रहा है, यहाँ पे मौज मस्ती चल रही है और यहाँ पे इमोशनल सीन चल रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग एडमिशन बना रहे हैं एक तरीके का, और यहाँ पे मतलब उस तरीके से हम लोग इंजॉय कर रहे थे। तो हमें ना यूवी के ना वो क्या बोलते हैं उसको, अरे यार रुकीनी, हाँ वो रुकीनी बहुत इमोशनल हो गया, वो जल जल मछली के ना मोती बह रहे हैं उसकी आंखों से, देखो उसकी चार आंखें हो, उसकी नाक गड़गड़ करिए। दो नाक तो यार, नहीं ऐसे मत करो, तुम मेरे बच्चे का मजाक मत उड़ाओ, चुप हो जाओ। और इस यूवी के बच्चे को कमेंट में बोलिए चुप हो जाए भाई, प्लीज प्लीज भाई, बहुत देर हो गई इसको रोते रोते। नहीं, ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ये मस्ती भी करता है, पढ़ता भी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ता है, सीरियस हो जाता है। फ्रेंड्स, फाइनली मेरा स्टूडेंट चुप हो गया है। तो अभी ना आज लास्ट डे है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी ना मस्ती की जाए इनके साथ, ताकि इनको अच्छा भी लगे। मुझे पता है बुरा तो सबको लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सब चेंज करना पड़ता है। तो अभी हम थोड़ा सा इंजॉयमेंट करेंगे, ठीक है यूवी? कैसा लग रहा है, कुछ बता। देखो अभी तक रो रहा था, अभी हंस रहा है। कोई बात नहीं, आगे दूसरे अच्छे भी टीचर मिल जाएंगे। आज मेरे बच्चों ने मुझे ना कुछ डांस स्टेप सिखाया, तो मैंने की बट मुझसे हो गई नहीं। हम पहाड़ी है, हम ऐसे नहीं नाचते। अब फोन पकड़ो, अब फोन पकड़ो, सब बच्चे आ जाओ। ये एक होनार स्टूडेंट है, भगवान जाने क्या क्या कारिस्तानी कर रही है। अभी मैं इनसे फीडबैक भी लूंगी। इधर देखना, अरे प्रियांशी क्या हुआ, किसने क्या बोला, मुझे बता, मुझे बता। आज लास्ट डे पे मैं इन सबकी वाट लगाती हूँ, किसने क्या बोला बता। प्रियांशी यार, ये तो सारे के सारे एक एक करके इमोशनल होते जा रहे हैं। किसी ने ना ये बोल दिया कि ये ना दी दिया भाई, क्या हो रहा है आज ट्यूशन में ना। मैं आपको अपने पहले वाले व्लॉग में वैसे सारे बच्चों से मिलवा चुकी हूँ, लेकिन आज आधे बच्चे आए नहीं, क्योंकि बारिश भी हो रही है, इस वजह से वो लोग आ नहीं पाए। तो बड़े बड़े स्टूडेंट्स आए हुए हैं, तो आइए हम जानते हैं कि इनको कैसा लगा एक साल में मुझसे पढ़ के। प्रियांशी बता दे, प्रियांशी तो मेरी घनघोर बेइज्जती कर रही है भाई, वो बताना ही नहीं चाह रही है। प्रियांशी देख तो सही,
दीदी भी मेरे जैसा इमोशनल तो नहीं हो रही है शायद। अभी हम यूवी से पूछते हैं। तो अभी यूवी मुझे बताने वाला है कि उसको एक साल मेरे साथ पढ़ के कैसा लगा। कैसा लगा यूवी बताओ? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या क्या सीखने के लिए मिला? कुछ चेंजेस आए पढ़ने में? मैथ्स में चेंजेस आए। आगे भी अच्छा ही पढ़ना है ना? जहाँ भी जाओगे वहाँ अच्छा ही पढ़ना। अभी इमोशनल मत होना, बड़ी मुश्किल से चुप कराया मैंने, मेरे को चुप कराना नहीं आता। अच्छा एक सच्ची सच्ची बात बताना। हाँ ये सारे यूट्यूबर मतलब यूट्यूब वाली फैमिली बोलने वाली है कि ये अपनी तारीफ खुद करवा रही है, सच्ची सच्ची बताना। हाँ मैंने मारा किसी को इतने टाइम में? नहीं। पक्का? पक्का। हाँ सच्ची में नहीं मारा मैंने। अभी हम मिलेंगे ताशु से, वो बताएगी। कहाँ गई? येरी। तो आप बताओ भाई। मुझे यहाँ पे ट्यूशन में पढ़ के बहुत अच्छा लगा, और मतलब जैसे कि मेरे अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आए, जैसे कि मेरा बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था और मतलब ज़्यादा फ़ोनों में घुसना होता था मतलब। पर यहाँ पे क्या था कि मतलब जैसे एक होता है ना कि जो एक टीचर होती है वो ना पढ़ा रही होती है ना, उस वक्त वो क्या करती है कि उसकी गलती होती है ना तो वो गलती होने के लिए दूसरों को मारती है, वो गलत लिखेगी ना तो उसको गलत को मारेगी। तो मुझे ये मिला कि इन्होंने ना ही किसी को मारा गलती से, ऊपर से मतलब समझाया और एक बार भी किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठाया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, और जो इनका एक्सप्लेन करना होता है वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैथ्स तो मैंने कभी मतलब मैथ्स तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं थी पहले, और पर अब थोड़ा सही लगता है मैथ्स में, सो थैंक यू। और मैथ्स में क्या था कि ना मैथ्स में मुझे कुछ समझ नहीं आता था क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से 9th पढ़ी है, 9th-7th पढ़ी है, अभी 8th में कर दिया, जो कर दिया दीदी की वजह से थैंक यू। बाकी बहुत अच्छा लगा पढ़ी। इसने मुझे भावुक कर दिया है, पर मैं रोऊंगी नहीं, मेरी शक्ल खराब हो जाएगी, मैं रोती अच्छी नहीं लगती। थैंक यू सो मच मेरे को इतना अच्छा मानने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे। हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो आप इस लड़की को तो बखूबी जानते होंगे, मेरी शक्ल भी आती है इस पे, गैस करो ये कौन है? अरे वही मेरी बहन है, मुझे पता है मैं मजाक कर रही हूँ आप लोगों से। तो मेरी बहन बताना चाहती है कुछ। क्या कैसा लगा भाई पढ़ के? मुझे ना पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ये थी इसकी मन की आवाज, पहला पॉइंट, प्लीज पॉइंट बी नोटेड। आगे बोलो। मेरा पढ़ाई करने का मन भी नहीं करता है ज्यादा, स्कूल जाने का मन भी नहीं करता है, मन में जुड़ गए सब, बस ट्यूशन में मस्ती करने का मन करता है। जैसे ये नहीं पढ़ती तो ये चाहती है कि पूरा विश्व ना पढ़े। हाँ भगवान ने स्कूल पढ़ाई बनाई क्यों है, फालतू में लगता है। तो निम्मी बताएगी आपको कि निम्मी को कैसा लगा मुझसे पढ़ के? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, पर मैडम को इतना भी नहीं अच्छा लगा, मतलब जो आप समझाते ना मतलब वो अच्छा लगना भी इतना ही है। मैं मारती हूँ? कितना झूठ बोल रही है, मैं मारती वारती नहीं हूँ, बहुत झूठ बोल रही है। अभी मेरे सारे बच्चों ने बताया मैं मारती नहीं हूँ, झूठ बोल रही है ये। हाँ झूठ मैं नहीं बोल रही, हम सब कुछ झूठा बना रही है मम्मी। नहीं सच में, इसने पिछली बार भी मेरे को बहुत मारा था पकड़ पकड़ के, मेरी चिटिया घुमाई थी, मेरे को मेरा परिचय याद नहीं हुआ था। जब तक एक भाई दूसरी भाई को एक थप्पड़ मारने देते थे उसकी तसल्ली नहीं होती, तो एक चाटा तो बनता है, मैं तो भाई को रोज मारती हूँ। बहन एक चाटा नहीं, उसने तो मेरे बाल खींच खींच के घुमाए। तो भाई ये पता कौन सी क्लास में थी? उस टाइम आई थिंक ना ये सेकेंड या थर्ड क्लास में थी, और इसको ना याद ही नहीं हो रहा था, और नेक्स्ट डे इसका पेपर था, मुझे गुस्सा आया, मैंने एक चांटा मार दिया। बट मैंने सीरियसली आई स्वेयर मैंने एक साल में बच्चों को मारा भी नहीं है ऐसे। बच्चों की बात नहीं हो रही, मेरी बात हो रही। तो तुझे भी नहीं मारा मैंने इतना? हाँ घर में ही तो मारती है तू मेरे को, घर में भी नहीं मारती मैं। कल किसने मारा था जोर से थप्पड़? फ्रेंड जैसे है ना, मेरे पे शक करने की जरूरत नहीं है, मेरी बहन है और ये मेरी बुराई जरूर करेगी। और फ्रेंड्स मैं आपको इनकी तीसरी बहन से मिलवा देती हूँ, ये इनकी तीसरी बहन है, देख सकते हैं। ये मेरी बेटी है जिसको मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, साड़ी पहनाती हूँ, खिलाती हूँ, मेकअप भी करती हूँ दीदी के मेकअप से, वो ब्लैंक भी करती है, देखो ये देखो हमारी, देखो ब्लैंक कर दिया और ब्लश कर रही है, वो ब्लश कर रही है, अपनी आईज ब्लिंक कर रही है और ब्लश कर रही है। देखो मेकअप देख सकते हो आप, इस वीक अगर किसी को मेकअप करवाना है तो आर्टिस्ट के पास आए, बहुत अच्छा
बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट इनको क्वीन का वो भी पहना रखा हमने। हाय हाय, ये मेरे को चलिए ट्रेनिंग अब बहुत हुई मस्ती, अब ये लोग घर जाएंगे। तो फिर आपको अगर हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर देना भाई, जो भी है लाइक शेयर, और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना प्लीज, और मुझे सपोर्ट करना। बाय गाइस, बाय बाय।